अस्सलाम वालेकुम। तालीम हमारी हर हाल में जारी। सूर्य उर्दू प्राइमरी स्कूल नागरजुना नगर नांदेड़ ऑनलाइन तालीम के सेक्शन में आज हम जमात दुआ मजमून उर्दू बेवकूफ़ गुड़िया की कहानी पढ़ेंगे। सूर्य स्कूल के प्यारे बच्चों तवज्जो से सुने। सूर्य स्कूल के प्यारे बच्चों, आज हम बेवकूफ़ गुड़िया की कहानी आपको सुना रहे हैं। बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बड़ी कंजूस थी और बेवकूफ़ भी। सारा गांव उसे लालची बुढ़िया के नाम से जानता था। एक दिन अजीब और गरीब मुर्गी उस बुढ़िया के हाथ आई। मुर्गी क्या थी? सोने का खजाना था। इसने जो पहला अंडा दिया, इसे देखकर बुढ़िया का मुंह खुला का खुला रह गया। अंडा दूसरी मुर्गियों के अंडों जैसा ना था, बल्कि सोने का था। बुढ़िया की तो किस्मत ही खुल गई। बुढ़िया ने अंडा सुनार को दिखाया, सुनार भी उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। फिर ढेर सारे रुपये देकर इसने अंडा खरीद लिया। इसके बाद ये रोज का मामूल हो गया। मुर्गी अंडा देती और बुढ़िया उसे बेचकर ढेरों रुपये ले आती। एक दिन बैठे बैठे बुढ़िया के जी में ख्याल आया, मुर्गी एक रोज अंडा देती है, हो ना हो इसके पेट में बहुत से अंडे भरे हैं। बुढ़िया ये सोच कर झिझिलाई के कमबख्त, मुर्गी सारे अंडे एक ही दिन में क्यों नहीं दे देती? अगर ऐसा हो जाए तो वारे नियारे हो जाएं। इसने सोचा, क्यों ना मुर्गी के पेट से सारे अंडे एक साथ निकाल लूँ, कौन रोज रोज इंतजार करे। बस फिर क्या था, बुढ़िया ने मुर्गी को पकड़ा और उसका पेट चाक कर डाला। मगर ये क्या, वहाँ तो अंडों का नाम निशान भी ना था। बुढ़िया ने अपना सर पीट लिया। अब तक इसको हर दिन सोने का एक अंडा मिल जाता था, अब वो भी जाता रहा। बुढ़िया अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत रोई और पछताई। इस तरह उसने मुर्गी को भी खोई और सोने के अंडे भी। सूर्य स्कूल के प्यारे बच्चों, इस नज़म को, इस कहानी को अपने मम्मी पापा के पास बैठकर सुनाइए और याद कीजिए। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सूर्या स्कूल के ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।